डिप्टी सीएम दिया कुमारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और ये तस्वीरें जहां पर उनसे मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों में खासा उत्साह है दिया कुमारी से मिलने के लिए। सर्व समाज के लोग दिया कुमारी से मिलने, उनका अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें दिया कुमारी पूर्व राज परिवार की सदस्य भी रही हैं, एक राजपूत चेहरा है, युवा चेहरा है और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती आई हैं। और ये तस्वीरें जहां पर लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। हर वर्ग हर समाज के लोग अपनी खुशी जाहिर करने उनसे मिलने के लिए उत्साहित है। और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर सहर्ष वे सबसे पुष्पगुच्छ बुकेज स्वीकार कर रही हैं और हर वर्ग के लोग खासतौर से महिलाओं में खासा उत्साह है दिया कुमारी के प्रति। और अपनी विधानसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की, इससे पहले सांसद भी रही और कहीं ना कहीं अब उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रण लिया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और महिलाओं को आगे ले जाने के लिए जो संभव कार्य हो सकेगा वो करेंगी। और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, बीजेपी आलाकमान ने उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी है। और आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता और लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, लोगों में खासा उत्साह है। और जब कल उनका नाम घोषित किया गया इसके बाद में राज परिवार में पूरे शहर में खुशी का माहौल था, जमकर आतिशबाजी की गई, मिठाइयां बांटी गई। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हर आयु वर्ग की महिलाएं उन्हें आशीर्वाद देने पहुंच रही हैं और सहर्ष। और आप देख सकते हैं किस तरह से बुजुर्ग महिला उन्हें आशीर्वाद दे रही है। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अमित, हम देख सकते हैं कि जो दिया कुमारी है बहुत खुशी से लोगों से मिल रही है और लोगों में खासा उत्साह है, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत करना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, दिया कुमारी अभी सिविल लाइन स्थित आवास पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पूरे तरीके से पूरे राजस्थान भर से जो लोग आए हैं, अधिकांश जो यहाँ पर संख्या है लोगों की वो विद्याधर नगर क्षेत्र से है, क्योंकि विद्याधर नगर से दिया कुमारी चुनाव लड़ी थी और वहां से चुनाव जीती है। तो विद्याधर नगर के साथ में पूरे राजस्थान भर से लोग आए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और डिप्टी सीएम बनने की उन्हें बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से महिलाएं भी खासी उत्साहित है उनको लेकर सके, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व दिया कुमारी राजस्थान की सरकार में कर रही है, उप मुख्यमंत्री बनाया है आपको, हालांकि मुख्यमंत्री के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक नाम माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में पूरे राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई एमएलए जो जीते हैं वो दिया कुमारी थी, 71,000 के करीब वोट से दिया कुमारी चुनाव जीती है। तो उसके बाद में देखने को जिस तरीके से मिल रहा है कि उसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासा उत्साह लोगों में, पूरे देश भर से लोग, राजस्थान भर से लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे मिल रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं, आगे बहुत अच्छा काम करने की उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी अमित, हम देख सकते तस्वीरों में महिलाओं में खासा उत्साह है और हर वर्ग की हर उम्र की महिलाएं आ रही हैं और हमने देखा था थोड़ी देर पहले एक महिलाओं ने आशीर्वाद दे रही थी, तस्वीर खिंचवा रहे। तो लोगों में, महिलाओं में खासतौर से बहुत उत्साह है, महिलाओं को लग रहा है कि चूंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत फायदा मिलेगा इस बात का। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल माना जा सकता है, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी ने दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया है महिला होने के लिए, महिला होने की वजह से। तो ये बिल्कुल, जैसे ही इन्हें डिप्टी सीएम की घोषणा की जाती है उसके बाद में जो महिला वर्ग है राजस्थान का, राजस्थान की जो आधी आबादी है, उन्हें की अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं दिया कुमारी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत युवतियां भी देखने को मिल रही है, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से कुछ समय पहले भी तस्वीर हमारे दर्शकों ने देखी कि एक महिला आती है, उनकी पलाएं लेती है, उनके
उन्हें आशीर्वाद देती है, उन्हें प्यार करती है। तो ये इस तरह की तस्वीरें जो है यहाँ सुबह से ही देखने को लगातार मिल रही है। महिलाएं यहाँ पे कुछ दृश्य यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कुछ महिलाएं हैं यहाँ पर ढोल बजा रही है, तो कुछ महिलाएं कुछ युवतियां हैं जो उनकी फोटो लेने के लिए उनकी सेल्फी लेने के लिए लालायित है। तो ये माना जा सकता है और जिस तरीके से दिया कुमारी इससे पहले सांसद रही है राजसमंद से, वहां पर भी उन्हें लोगों का बड़ा प्रेम मिला है, बड़ा प्यार मिला है। वहां के बाद में जब वो यहाँ पर आज विद्याधर नगर से जब टिकट फाइनल हुआ दिया कुमारी का एमएलए का विधायक के लिए, तो उसके बाद वहां के लोगों में ये जरूर था, थोड़ा सा निराशा थी कि यहाँ से अब दिया कुमारी को जयपुर भेज दिया जाता है, उनकी सीट चेंज कर दी जाती है। लेकिन हाँ, लोगों को खाली कर उत्साहित थे, क्योंकि जैसे ही दिया कुमारी का नाम मिलता है, टिकट मिलता है दिया कुमारी को, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप में एक बड़ी दावेदारी दिया कुमारी की थी। हालांकि डिप्टी मेयर बना, डिप्टी सीएम बनाया, तो उसके बाद में भी जो इससे पहले ये सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ी है, राजसमंद से चुनाव लड़ी है, तो वहाँ के लोग भी खासे उत्साहित, और वहाँ से भी अधिकांश लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इन्हें बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, और अमित जैसा आपने बताया कि राजनीतिक सफर ये शुरू से ही सक्रिय रही और कहीं ना कहीं ये एक ऐसा चेहरा रही है जिन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, चाहे हम इनकी बात करें सवाई माधोपुर से बात करें या राजसमंद से बात करें, और अगर यहाँ जयपुर की भी बात करें सीट से, तो इन्होंने कई बड़ी जीत हासिल की है, तो लोगों का इनके प्रति विश्वास बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, लोगों का इनके प्रति विश्वास बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरी चीज एक ये भी होती है कि राज परिवार से आती है, जयपुर राज घराने से दिया कुमारी आती है, तो उसको उस चीज को लेकर के लोगों में लोग उत्साहित भी बहुत रहते हैं, इनकी एक झलक पाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। मेरे को याद आ रहा है कि जब राजसमंद से सांसद थी दिया कुमारी, तो उस समय जब कुछ उनके संसदीय क्षेत्र में कुछ गाँव में जब ये जाती थी, तो वहां के लोग सिर्फ इनकी एक झलक पाने के लिए। और देखने वाली बात है, तस्वीरें जाहिर कर रही हैं, बयां कर रही हैं कि किस तरह से उनके प्रति जो है लोगों में उत्साह और खुशी है कि वो डिप्टी सीएम के रूप में मनोनीत की गई हैं। तमाम जानकारी के लिए अमित बहुत बहुत धन्यवाद।